राष्ट्रीय जागरण अभियान के उत्तर प्रदेश प्रवास का शुभारंभ हो गया है। अभी तक इस यात्रा में इटावा, कानपुर, बिठूर, चौड़गरा, फतेहपुर, बांदा, महोबा, झांसी व उसके आसपास अन्य जिले उरई, औरैया, कन्नौज, लखनऊ, चित्रकूट, हमीरपुर, उन्नाव व रायबरेली तक यात्रा पहुंची है। आज दयानंद डिग्री कॉलेज बचरावा में जिला रायबरेली में अमृत महोत्सव आयोजन समिति खंड बचरावा द्वारा मुंशी चंद्रिका प्रसाद गुरु जी के निर्वाण दिवस पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जागरण अभियान के संस्थापक व संयोजक सुबुही खान ने मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्र और उसके प्रति हमारे धर्म के प्रति श्रोताओं को जागृत किया, धर्म पंथ व संस्कृति के अंतर को जानने और समझने के लिए प्रेरित भी किया, देश के सामने खड़ी चुनौतियों से अवगत कराया और कहा कि संगठित समाज द्वारा ही अखंड भारत संभव है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज सत्ता अपनी ताकत पहचाने, अब हमें स्वतंत्रता का महत्व जानना पड़ेगा। देश बहुत सी चुनौतियों से घिरा है और हर नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु और आर्यवत अपनी संगठित सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना शक्ति के कारण ही रहा है। कार्यक्रम में बचरावा खंड के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया व शहीद दिनेश कुमार वैश्य के पुत्र आदित्य व पुत्री परी को सम्मानित कर उनसे यह कहा गया कि वो अनाथ नहीं है, पूरा देश उनका अभिभावक। कार्यक्रम में भारी मात्रा में लोग रहे व मुख्य अतिथि के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बच्चियों ने रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप व भारत माता बनकर घोड़ों पर तिरंगा यात्रा निकाली व बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने अति उत्साह से प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय जागरण अभियान CAA NRC के समय जन्मा, उस समय सुबुही खान ने, जो कि अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वह कबीर फाउंडेशन नामक संस्थान की संस्थापक हैं, उन्होंने CAA NRC के पक्ष में भारत के 8 से 10 राज्यों में जाकर राजनैतिक, सामाजिक व वैधानिक सभी पहलुओं पर जागरण किया है। उत्तर प्रदेश की हाथरस प्रकरण के बाद इस अभियान को नई दिशा दी गई और राष्ट्र जागरण अभियान का नाम दिया गया। अपने गुरु KN गोविंदाचार्य जी के संरक्षण और मार्गदर्शन में सुबुही खान अपनी टीम के साथ राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत भारत प्रवास में है व देश की खंडित चेतना की शक्ति और आध्यात्मिक बल को जगाने और एकत्र करने का काम कर रही हैं। हाल ही में वो बिहार पंजाब होकर आई हैं और कहती हैं राष्ट्र जागरण अभियान पूरे देश का अभियान है, हर व्यक्ति, संगठन, भाषा, जाति, क्षेत्र के संप्रदाय का अभियान है। इसमें उत्तर प्रदेश को केंद्र मानकर काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का आध्यात्मिक बल बसता है। कोई कारण है कि श्री राम, श्री कृष्ण उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, मथुरा, अयोध्या, काशी उत्तर प्रदेश में है, भक्तिकाल के अधिकतर कवि उत्तर प्रदेश की मिट्टी से हैं, 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, इस आध्यात्मिक बल के कारण हमने उत्तर प्रदेश को केंद्र बनाया है। S7 की डेस्क रिपोर्ट।